स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के आनंद में बाप विभोर छोटी काशी मंडी में देवदोनियों की दिव्य गूंज से तरंगित दिखी। महोत्सव के विधिवत शुभारंभ में एक दिन पहले लघु जलेब निकालकर मंडी जिला प्रशासन ने बाबा भूतनाथ को शिवरात्रि महोत्सव का न्योता दिया। मेला कमेटी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर, राजदेवता माधो राय की और से बाबा भूतनाथ को शिवरात्रि मेले का निमंत्रण लेकर उनके दरबार पहुंचे। उपायुक्त की अगुवाई में अन्य गणमान्य लोगों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ देव माधो राय मंदिर में पुलिस की टुकड़ी, होमगार्ड बैंड के साथ मंडी जनपद के कुछ राज देवताओं के साथ जाकर भूतनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा भूतनाथ को शिवरात्रि महोत्सव के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों ने बाबा भूतनाथ मंदिर में हवन यज्ञ में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सर्व देवता समिति के प्रधान श्रीपाल शर्मा व समिति के अन्य प्रतिनिधि, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण माटा सहित अन्य अधिकारी, जिला भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष सुमन ठाकुर सहित शहर के अन्य लोग उपस्थित रहे। इस बार राजदेवता माधो राय के प्रांगण में आयोजित पारंपरिक शिवरात्रि हवन को बड़े स्तर पर आयोजित किया गया। इसमें मंडी वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उपायुक्त ने कहा कि हमारी कोशिश है कि अपने समृद्ध इतिहास से हमारा भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत हो और पुरातन परंपराओं से नई पीढ़ी को जोड़ा जाए। उन्होंने लोगों से पहले जिले में अपने परंपरागत पहनावे में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि इस जन सहयोग से जिलेब को हिमाचली संस्कृति के विविध रंगों में सजाया जाए। इससे पहले उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने सर्व देवता समिति के प्रतिनिधियों के साथ रास माधो राय मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रशासन ने भगवान रास माधो राय से अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के सफल आयोजन का आशीर्वाद लिया। उपायुक्त ने अपनी पूरी टीम के साथ माता टारना और फिर बड़ा देव कमरुना की पूजा अर्चना की। उन्होंने बड़ा देव को नारियल भेंट कर उनसे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के सफल आयोजन का आशीर्वाद भी मांगा। शिवरात्रि का पावन पर्व है और धूमधाम से पूरे जिले में, पूरे देश में इसको मनाया जा रहा है। मंडी की शिवरात्रि विशेष रूप में खास है और इस अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आज एक भव्य हवन का आयोजन किया गया जिसमें शहर के सभी लोगों ने हिस्सा लिया और एक नया प्रयास हमने किया कि इस तरह का सेलिब्रेशन जो महाशिवरात्रि का है उसको हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं और बढ़िया कैसे बना सकते हैं, ज़्यादा लोगों को कैसे शामिल कर सकते हैं, ये हमारा प्रयास रहा। तो बहुत अच्छा शुरुआत है और आने वाले कल से हमारा जो मेला है वो विधिवत तरीके से शुरू।